पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी की बड़ी लोकसभा सीट गाजियाबाद में जनसभा करने पहुंचे हैं। गाजियाबाद में घंटाघर रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। नौजवान साथियों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप सब आज इस चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जनरल वीके सिंह जी को समर्थन देने और इस देश में से नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, देश के अंदर आज जब लोकसभा के सामान्य चुनाव प्रारंभ हुए हैं और पहले चरण में 11 अप्रैल को जब आप सभी अपने सांसद का चुनाव करेंगे तो आपके द्वारा कमल के निशान पर दिया जाने वाला एक एक वोट इस देश के अंदर 5 वर्षों तक यशस्वी नेतृत्व देने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाने वाला समर्थन होगा, उनको दिया जाने वाला वोट होगा। और इस दृश्य से आज हम सब आपके पास आए हैं आप सबसे अपील करने के लिए। आखिर विपक्ष भी बहुत सारे प्रश्न कर रहा है और उसी में से आप सबको सोचना है। 2014 के पहले 26 मई 2014 वह तिथि है जब इस देश के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के भारत के अंदर एक व्यवस्था देने का एक संकल्प हम सबके सामने लिया था, पूरे देशवासियों के सामने लिया था। 26 मई 2014 के पहले पूरे देश के अंदर की क्या तस्वीर थी, लोगों के मन में क्या भाव थे, पूरे देश के अंदर अराजकता का माहौल था, पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार का एक एक जर्रा जर्रा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था और यूपीए की कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर अराजकता का, भ्रष्टाचार का, विकास को अवरुद्ध करने की पर्यायी बन चुकी थी। अविश्वास की प्रतीक कांग्रेस नेतृत्व की सरकार इस देश के अंदर बन चुकी थी। भारत के अंदर आम जन का विश्वास उड़ चुका था तो दुनिया के अंदर भारत के प्रति सम्मान समाप्त सा हो गया था। और उन परिस्थितियों में श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के बागडोर को अपने हाथों में लिया था। आपने पिछले 5 वर्ष के दौरान इस देश के अंदर बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। देश के अंदर लोक कल्याणकारी योजनाओं को जिस तेजी के साथ लागू किया गया, गाजियाबाद उसका एक आदर्श उदाहरण है। मैं धन्यवाद देता हूं गाजियाबाद के नागरिकों को जिन्होंने गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में प्रस्तुत करके उसके अनुरूप कार्य योजना को बनाने के संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ा है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज देश के अंदर 100 सिटी स्मार्ट सिटी के रूप में आज स्थापित हो रही हैं और उसमें 10 उत्तर प्रदेश के शहर हैं। तो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को देने वाला कोई और नहीं, आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। 2019 का लोकसभा का चुनाव, भाइयों बहनों, इस देश के अंदर गरीबी हटाओ के नारे 48 वर्ष पहले दिए जा गए थे, लेकिन क्या सही मायने में गरीबी हटाई गई? सही मायने में गरीबों के लिए किसी सरकार ने कार्य किया है? परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद या किसी भी मत और मजहब के बात से ऊपर उठ करके किसी सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया है? तो आजादी के बाद वह सरकार जिसने गरीबों को आवास की गारंटी, हर गरीब के घर में एक एक शौचालय
लगाने की गारंटी, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने की गारंटी, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन देने की गारंटी, हर लघु और सीमांत किसान को 6,000 रुपया सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान देने की गारंटी, और देश के हर गरीब को 5,00,000 रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान भारत में देने की गारंटी किसी ने दी है तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने यह व्यवस्था हमें दी है। वास्तव में यह चुनाव भारत के प्रत्येक उस नागरिक को जिसके अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करने में मोदी सरकार सफल रही, जिसके मन में विकास की एक नई सोच मोदी सरकार ने दी, जिसके जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प मोदी जी की नेतृत्व की सरकार ने दिया, और जिस सरकार ने भारत की सुरक्षा को तो मजबूती प्रदान की, देश के बाहर विदेशों में रहने वाले भारतवासियों और भारतवंशियों के मन में भी भारत के प्रत्येक विश्वास का भाव जागृत किया, ऐसे सभी लोगों के पास आज का यह दिन कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है, जब श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम सब कृतज्ञता ज्ञापित करके उन्हें अपना वोट दे करके एक बार पुनः प्रधानमंत्री पद पर भेज करके देश को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकें। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो नकारात्मक राजनीति इस देश के अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, इन सभी दलों ने प्रारंभ की है, आप सब इससे अछूते नहीं हैं। आप देख रहे होंगे इनके कारगुजारियों को। अगर भारत पुलवामा के अंदर अपने शहीदों का हुए अपमान का बदला, उनकी शहादत का बदला पाक अधिकृत कश्मीर में घुस करके एयर स्ट्राइक के माध्यम से सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करता है, पाकिस्तान अपने यहां अपने सैनिकों और आतंकवादियों के शवों को गिनता है, लेकिन भारत के लोग, भारत के जनता को अपमानित करने के लिए विपक्ष के लोग किस रूप में आज इस देश के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठा रहे हैं, आपने एयर स्ट्राइक की घटना के बाद देखा होगा। एक कांग्रेस, सपा, बसपा का वो शर्मनाक चेहरा है जो लगातार भारत के सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठा करके भारतवासियों को अपमानित ये लोग करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज आप सब जानते हैं कि ये लोग आज जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, एक ओर ये सब कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो, या फिर ये नकारात्मक राजनीति करने वाले वे लोग जो केवल सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं जिससे भारत के संसाधनों पर लूट खसोट कर सकें, जिससे भारत के अंदर आतंकवाद को, नक्सलवाद को, अराजकता को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकें, जिसके कारण भारत के अंदर आम जन की सुविधाओं पर किसी न किसी प्रकार से आम जन को उन बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर सकें। एक और जहां कांग्रेस और अन्य गठबंधन से जुड़े हुए लोग इस नकारात्मक राजनीति के साथ कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सामने है। आपने 5 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को देखा, एक यशस्वी नेतृत्व मोदी जी ने देश को दिया, और विगत 2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सेवा करने का अवसर मेरे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी जनता जनार्दन की सेवा करने का अवसर भी प्रदान किया। भाइयों बहनों, आज से 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है। यहां पर कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई थी, कांवड़ यात्रा नहीं निकल सकती थी। मैं अभी आया, आने के तत्काल बाद मैं सबसे पहले गया बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में गया, और वहां पर भगवान दुग्धेश्वर नाथ का अभिषेक करके उन्हें प्रणाम निवेदित करते हुए ही मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि गाजियाबाद के आराध्य देव हैं और उनके सामने ये निवेदन करने, प्रार्थना करने की 2 वर्ष तक उनके सानिध्य में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ, और
हम लोगों ने जो कुछ अच्छा करने का प्रयास किया, वास्तव में ये इसलिए किया क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन उनकी प्रेरणा थी और ये 23 करोड़ जनता का आशीर्वाद हमारी सरकार के साथ में था। हम इसीलिए सफल हुए। जो सपा और कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकारें कावड़ यात्रा पे रोक लगाने का कार्य करती थी, डीजे बजाने को प्रतिबंधित करती थी, तमाम प्रकार से आपको अपमानित करती थी, हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने कहा कि कोई आवश्यकता नहीं, डीजे भी बजेगा, संघ भी बजेगा, घंटे घड़ियाल भी बजेंगे और कावड़ यात्रा शानदार तरीके से चलेगी। चुनाव में जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं कहीं आता था, किसी कार्यकर्ता के घर में जाता था, परिवार की महिला सदस्य एक ही बात कहती थी और कहती थी कि क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी। प्रदेश की बहन और बेटियों की सुरक्षा के सामने इतनी बड़ी चुनौती, तब भी हमने कहा था कि हम लोग बहन और बेटियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। और भाइयों बहनों, दो काम हुआ, प्रदेश के अंदर अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल चुका है, उसके लिए प्रदेश के अंदर दूसरी कोई जगह नहीं बची हुई है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण, यही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था थी, कैसे दंगे होते थे, कैसे प्रदेश के अंदर जगह जगह दंगे और उपद्रव करके पर्व और त्योहारों को मनाने से रोका जाता था, आज उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक वातावरण है और बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं, हमारा व्यापारी भी सुरक्षित है, आम नागरिक भी सुरक्षित है और इस सुरक्षा के वातावरण का परिणाम है उत्तर प्रदेश में 5,00,000 करोड़ रुपए का निवेश इसके माध्यम से आ रहा है। ये निवेश प्रदेश के विकास के लिए, नौजवानों के लिए, नौकरी और रोजगार के लिए आवश्यक है और इससे आज हम सब आपके पास आए हैं। हमने प्रदेश के अंदर योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया है। हमने किसी की जाति नहीं देखी, हमने क्षेत्र नहीं देखा, हमने भाषा नहीं देखी, हमने प्रदेश के अंदर प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ है। हमने प्रयास किया है योजनाओं का लाभ गरीबों तक मिले, हर हाल में मिले और उसके लिए हमारे जनप्रतिनिधियों का जो योगदान था मैं देखता था, सचमुच मैं इस बात को देखता था। जनरल वीके सिंह जी विदेश मंत्री के रूप में काम करते रहे, विदेश मंत्री के रूप में दुनिया के अंदर जहां भी कोई क्राइसिस होती थी वहां पर अगर कोई व्यक्ति जाता था उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, भारत के विदेश मंत्री के रूप में वहां पर जाकर के उस समस्या का समाधान करने और भारत के नागरिकों को सकुशल भारत वापस लाने के लिए जान की बाजी लगा करके भी उन भारत के नागरिकों को दुनिया के अंदर युद्ध ग्रस्त क्षेत्र से भी सुरक्षित निकालने का कार्य अगर किसी ने किया है, आपके इस बहादुर जनरल वीके सिंह जी ने किया है और सचमुच पूरा देश और पूरी दुनिया जनरल वीके सिंह जी का सम्मान इस बात को लेकर के करती है। मैं सचमुच जब जनरल वीके सिंह जी को देखता हूं, भारत के आर्मी के जनरल के रूप में उनका यशस्वी कार्यकाल देश के लिए यशस्वी और यादगार था और आज विदेश राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने जो कार्य किए हैं 5 वर्ष के दौरान वह अद्भुत हैं, अभिनंदनीय हैं। मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी उनका कार्यकाल जाना जाता है। लेकिन साथ ही साथ एक और बात जो महत्वपूर्ण है और वह है कि जनरल साहब को मैं देखता था, अगर सप्ताह में 2 दिन विदेश में है तो 2 दिन वहां
दिल्ली और लखनऊ में गाजियाबाद की विकास की योजनाओं को लेकर के रहते थे और 3 दिन गाजियाबाद में रहते थे। कोई अन्य सांसद मंत्री के रूप में इतना अपने क्षेत्र को समय दे यह देखते हुए बनता था। और सच मुझे लगता था आर्मी का जनरल जो व्यक्ति रहा हो, देश की सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, थल सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में जिस व्यक्ति ने अपनी सेवाएं दी हो, वह इतनी आसानी से जनता के बीच में जाकर के कार्य करे। मैं तो देखता था कि आज प्रस्ताव उन्होंने दिया कि फलानी जगह इंटर कॉलेज चाहिए, फलानी जगह चिकित्सालय चाहिए, फलानी जगह आईटीआई चाहिए, फलानी जगह पॉलिटेक्निक चाहिए, फलानी जगह सड़क चाहिए, फलानी जगह बिजली चाहिए, फलानी जगह पुल चाहिए। हम लोग एक बार रख देते थे कि भाई ठीक देखेंगे, लेकिन तत्काल तीसरे दिन उनका फोन आना शुरू हो जाता था। हमारे कार्य का क्या हुआ, हमारे फलानी जगह के कार्य का क्या हुआ, फलानी जगह में हमारे यहाँ ये अधिकारी नहीं, ये कर्मचारी नहीं, इसकी नियुक्ति दीजिए, जनता को परेशानी हो रही है। वे विदेश में भी हैं तो गाजियाबाद के बारे में, वे देश में हैं तो गाजियाबाद के बारे में, लखनऊ में हैं तो गाजियाबाद के बारे में। दो ही काम थे, विदेश मंत्री के रूप में भारत की वैदेशिक नीति के मोर्चे पर भारत को दुनिया के शीर्ष स्थान दिलाना, और अगर देश में है तो गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करके देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। आज गाजियाबाद इतना साफ और सुथरा है, तो विजन है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, आपके लोकप्रिय सांसद जनरल वीके सिंह जी का, जिन्होंने लग करके पूरी ताकत के साथ, लग करके टीम भावना के साथ, लग करके उस प्रकार का माहौल गाजियाबाद में दिया। और मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, आज इस टीम भावना का परिणाम है कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे साफ सुथरे नगर के रूप में आज पहला स्थान प्राप्त किया है। जो गाजियाबाद आज से 5 साल पहले देश के अंदर सबसे प्रदूषित शहर था और जिसके बारे में कहा जाता था सर्वाधिक गंदगी है, आज वह गाजियाबाद यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के परिणाम के फलस्वरूप जनरल वीके सिंह जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ के विधायकगण, मंत्रीगण, महापौर, इन सब की टीम ने जो काम किया उसका परिणाम है गाजियाबाद और स्वच्छ भारत मिशन में नंबर 1 पर आया है। अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। जब आप लीडरशिप और प्रतिनिधित्व तो अच्छे लोगों को देते हैं, परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं, लेकिन जब गलत लोगों को देते हैं तो उसका दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। भाइयों बहनों, आज हम कह सकते हैं ये उत्तर प्रदेश वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में व्यापक पलायन होता था। केराना से, कांधला से अपराधी सरेआम घूमते थे, पुलिस भागती थी, पुलिस के पुलिस को अपराधी दौड़ाते थे, माफिया दौड़ाते थे, और यहाँ का व्यवसायी जिसने प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया, वह व्यापारी प्रदेश का वह व्यापारी पलायन करता था, भागता था। केराना में व्यापक पलायन हुआ था 2005 से लेकर के 2017 के बीच सैकड़ों परिवार केराना छोड़ करके चले गए, कांधला छोड़ करके चले गए, तमाम अन्य कस्बों से छोड़ करके चले गए। लेकिन विगत 2 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर किसी व्यापारी ने पलायन नहीं किया। हाँ, प्रदेश से अपराधियों ने पलायन जरूर किया है। मैं कह सकता हूं पिछले 2 वर्ष के दौरान जो व्यापारी पलायन कर चुका था वह वापस केराना में आया है, कांधला में आया है, और हमारी सरकार ने कहा कि प्रदेश के 23 करोड़ जनता को सुरक्षा की गारंटी हमारी है। और इसलिए आज एक बार पुनः आप सबके बीच में हम लोग आए हैं। भाइयों बहनों, ये 2019 का चुनाव देश को, भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाला चुनाव है। कैसा विपक्ष है, कांग्रेस की कैसी नकारात्मक राजनीति है, कैसे राहुल गांधी बातें कर रहे हैं, किस किस प्रकार की बातें सपा और बसपा के लोग कर रहे हैं, इन लोगों से पूछा जाना चाहिए। जो भारत के लिए गौरवशाली होता है उस पर इन्हें ये अच्छा इन्हें नहीं लगता है। आपने देखा होगा अभी मिशन शक्ति के अंदर भारत ने
दुनिया में अंतरिक्ष के क्षेत्र में महाशक्ति का दर्जा हासिल किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को संबोधित किया, तो कांग्रेस सपा बसपा इन सब ने प्रधानमंत्री जी की शिकायत कर दी चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग ढूंढने लग गया कहां गलती हुई है, लेकिन गलती कुछ थी नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया और भारत को अंतरिक्ष की महाशक्ति बना करके दुनिया के सामने भारत का डंका क्या बजाया कि सपा बसपा को बुरा लगने लग गया, कांग्रेस को बुरा लगने लग गया। आज इसीलिए हम सब आए हैं, आप सबको तय करना है। भारत ने 2014 से मोदी जी के नेतृत्व में जो यशस्वी यात्रा प्रारंभ की है, आप सब अगर उस यशस्वी यात्रा के सहयात्री बन रहे हैं तो आप वास्तव में हर एक राष्ट्रभक्त के सामने एक ही विकल्प है और वह है मोदी मोदी मोदी। एक ही विकल्प है। आज आप पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कहीं जाइए, एक ही नारा सुनने को मिलता है, मोदी मोदी मोदी। भाइयों बहनों, आज आप महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, हर एक की जवान पर एक ही नाम है, वह नाम है मोदी 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 का। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। कांग्रेस सपा बसपा इन सब के लिए जो नामुमकिन था, आज वह मुमकिन हुआ है। नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो, क्योंकि मोदी है तो, और इसलिए मुमकिन हुआ है सब कार्य। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है, यही अंतर है। कांग्रेस के लोग अजहर मसूद जैसे आतंकवादियों के साथ जी लगा करके आतंकवाद को प्रोत्साहित करती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आतंकवाद को, उनके ठिकानों को नष्ट और ध्वस्त करके आतंकवाद की ही नहीं, पाकिस्तान की कमर को तोड़ने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यही अंतर है। जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, वह मोदी के लिए मुमकिन है। आज वह मुमकिन हुआ है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए हम सब आए हैं। ये मुमकिन इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ है, और इसलिए भाइयों बहनों आज हम सब आपके पास आए हैं। 11 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव, पहले चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लोकसभा सीट हैं, और मैं गाजियाबाद से इन सभी 8 लोकसभा सीटों के अपने सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर विकास का जो माहौल हम देने में सफल हुए हैं, सचमुच आज रैपिड रेल से गाजियाबाद और मेरठ जुड़ रहा है, मालूम है इसमें कितना खर्च होना है, 32,000 करोड़ रुपए खर्च होने। आज गाजियाबाद दिल्ली और मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ जुड़ रहा है, यह कार्य प्रारंभ हो चुका है। मेट्रो के तेजी के साथ विस्तार गाजियाबाद के अंदर अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है, और मैं जब भी लखनऊ से दिल्ली आता हूं तो मैं दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे नहीं उतरता, मैं हिंडन एयरपोर्ट पर उतरता था, और मैं जनरल साहब मुझसे अक्सर कहते थे, जब भी उनसे मुलाकात होती थी जनरल साहब कहते थे कि आप तो यहां उतर करके आपने इसको अपने लिए उपयोग तो किया, लेकिन गाजियाबाद के लोग कब उपयोग करेंगे। और आज जनरल साहब के प्रयास से आपका हिंडन का सिविल टर्मिनल भी बनकर के तैयार है, और अगले महीने से वहां वायु सेवा भी प्रारंभ होने जा रही है। यानी गाजियाबाद के लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को देश और दुनिया की यात्रा अगर करनी होगी तो मई से ही उनको हिंडन एयरपोर्ट मिलकर के तैयार, उनके लिए तैयार हो चुका है, और आने वाले समय में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हम लोग आपके जेवर में भी देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश में ही अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, और इसलिए आज हम सब आपके पास आए हैं भाइयों भाइयों बहनों कि उत्तर प्रदेश के जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, इन 8 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण के मतदान में इतना मतदान आप करिएगा,
कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए प्रत्येक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी हो और आपके द्वारा दिया जाने वाला एक एक वोट मोदी जी को दिया जाने वाला वोट होगा। आपके द्वारा दिया जाने वाला एक एक वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया जाने वाला वोट होगा। और इसीलिए जनरल वीके सिंह जी गाजियाबाद में कमल चुनाव चिन्ह पर और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारी दृष्टि देश के अंदर जो देश की आवाज है ये उत्तर प्रदेश 77 बार फिर एक बार मोदी सरकार इस भाव के साथ हम सब जुड़ करके मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के इस अभियान के सारथी बने। आप सबको मैं एक बार यहां से कहूंगा उत्तर प्रदेश 77 बार आप सब मेरे साथ कहेंगे फिर एक बार मोदी सरकार उत्तर प्रदेश 77 बार फिर एक बार मोदी सरकार उत्तर प्रदेश 77 बार उत्तर प्रदेश 77 बार। धन्यवाद। जय हिंद।